कस्बे के आरसीआई शिक्षा ग्रुप के निदेशक डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते सभी उद्योग धंधे काश्तकार तथा रोजगार के अवसर प्रभावित हुए हैं। इस आर्थिक मंदी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई किसी भी प्रकार से बाधित ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए आरसीआई मैनेजमेंट टीम ने इस स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल तथा डिफेंस एकेडमी में सभी प्रकार की फीस वृद्धि स्थगित कर दी है। किसी भी संस्थान में इस वर्ष कोई फीस वृद्धि नहीं होगी। साथ ही ये भी बताया कि यदि लॉकडाउन के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो कोई भी नया विद्यार्थी आरसीआई की ऑनलाइन कक्षाएं कभी भी निःशुल्क ज्वाइन कर सकता है, ताकि लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में कोई परेशानी ना आए। लॉकडाउन के कारण पूरे देश में आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हुई है, निश्चित है काश्तकार भी इससे प्रभावित हुए हैं। बानसूर कृषि प्रधान एरिया रहा हुआ है, सभी उद्योग धंधे भी इस कोरोना के कारण जो लॉकडाउन चल रहा है प्रभावित हुए हैं। इस लॉकडाउन के कारण सभी उद्योग धंधे, खेती, अन्य सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, और इन सब क्षेत्र के प्रभावित होने के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित नहीं हो, विद्यार्थियों को एजुकेशन में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, आर्थिक परिस्थितियों के कारण विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं रहें, इस बात को ध्यान में रखते हुए आरसीआई शिक्षा ग्रुप बानसूर की मैनेजमेंट टीम, समस्त प्रिंसिपल्स की टीम का मीटिंग हुआ, और उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष आरसीआई, आरबीएससी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई स्कूल, आरसीआई डिफेंस एकेडमी, किसी में भी फीस वृद्धि नहीं की जाएगी। यह निर्णय क्षेत्र में, क्षेत्र के विद्यार्थियों को एजुकेशन में लॉकडाउन के कारण किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं आए, इसको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसी के साथ साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि विद्यार्थियों को लॉकडाउन के कारण शिक्षा में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, इसलिए कोई भी नया विद्यार्थी यदि आरसीआई शिक्षा ग्रुप की ऑनलाइन कक्षाओं को ज्वाइन कर चुका है या आगे करना चाहता है, तो उनकी ऑनलाइन कक्षाएं अभी निःशुल्क ही संचालित की जाएंगी।